कुल्लू में पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर गर्जी कांग्रेस। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल व डीजल के दामों को लेकर अब आम जनता को भी परेशानी होने लगी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर अपना रोष व्यक्त किया है। कुल्लू में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया तथा मांग रखी गई कि जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करके आम आदमी को राहत दी जाए। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर से लेकर अखाड़ा बाजार पेट्रोल पंप तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शन किया। वहीं पेट्रोल पंप के बाहर बैठकर उन्होंने पेट्रोल व डीजल की बड़ी कीमतों का विरोध भी जताया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि अगर जल्द ही तेल के दामों को कम नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता इसका रोष जताएगी। जिला कुल्लू कांग्रेस के महासचिव चुनेश्वर ठाकुर का कहना है कि पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों का असर रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी पड़ा है। चुनेश्वर ठाकुर का कहना है कि बाहरी राज्यों से जो भी सामान लेकर आ रहे हैं उनका किराया भी अब काफी अधिक बढ़ गया है, जिसके चलते बाहरी राज्यों से आने वाले सामानों के दामों में भी वृद्धि हुई है। गरीब आदमी आज सामान लेने से भी घबरा रहा है क्योंकि कोरोना के चलते पहले ही उसका रोजगार काफी प्रभावित हुआ है। चुनेश्वर ठाकुर का कहना है कि आम लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार जल्द से जल्द तेल के दामों को कम करें, वरना आने वाले चुनावों में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा। गौर रहे कि बीते कोरोना संकट में ही पेट्रोल के दाम 10 रुपये से अधिक बढ़े हैं। अब इस बढ़ती महंगाई का असर आम जनता पर भी देखने को मिल रहा है। नहीं, इन कीमतों के बढ़ने से हमारी चीजें खाद्य वस्तु महंगी होंगी, किराया महंगा होगा, तो इसके साथ साथ खाद्य तेल, सरसों का तेल जो 135 रुपए था वो आज 230 रुपए लीटर है। इसी तेल की खपत किसान बार-बार प्रोडक्शन जो हमारा अनाज पैदा करने में ये दुगने कॉस्ट पर कीमतें जा रही हैं। इसीलिए महंगाई पर ये प्रदेश सरकार व केंद्र की सरकार पूरी तरह से फेल है। धनेश गौतम की रिपोर्ट।